constructs a rhomboid with its unequal sides 5 cm and 3 cm long, and the angle contained by them being 120 degree. Inscribe a circle in it. हमें क्या करना है, एक काइट ड्रॉ करना है और उसके अंदर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें एक बड़ा लाइन खींचना है, उसमें हमें 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे क्या करना है, मार्क कर देना है और उसको हमको नाम देना है ए बी। आप कौन सा भी ऐसे नाम दे सकते हो। ओके, ये कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि ये हमारा काइट का बेस रहेगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, एक दूसरा वाला जो साइड हमें दिया है, क्या करेंगे हम कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे जो उन्होंने हमें दिया है और वहाँ पर एक आर्क डालेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम 120 डिग्री का एंगल प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम निकालेंगे और उसको पॉइंट आउट करके हम क्या करेंगे, उसमें से एक लाइन खींच देंगे। ओके, और हमें क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा बड़ा खींचना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट सी। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, बी सी से लेके डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे और उसको भी ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ए से लेके बी तक का डिस्टेंस लेंगे और उसको भी हम आर डाल देंगे, और जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको हम डी नाम देंगे और उसको हम ज्वाइन कर देंगे। देखो हम कैसे ज्वाइन करते हैं उसको। देयर आफ्टर दैट उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा अभी ए बी सी डी का हमारा काइट हो गया। क्या करना है, इसके अंदर हमें एक सर्कल निकालना है। तो फिर क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में जो बी एंगल है उसको हमें क्या करना है, उसका बाइसेक्टर निकालना है, मतलब एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो फिर हम उसको निकाल देते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। और एंगल बाइसेक्टर निकालने के बाद हम उसको बी से लेके हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सेम हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है कौन सा वाला, ए से लेके सी तक का, मतलब ए सी वो क्या है, हमारा डायगोनल है काइट का, वो हम निकाल देंगे और उसको भी ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद मेजरमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे सभी का। और उसके बाद लास्ट में हमें एंडिंग में क्या करना है, जो हमें पॉइंट मिला है वहाँ से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर हमें निचली वाली साइड पे ड्रॉ कर देना है, मतलब निचली वाली लाइन पे। कौन सी लाइन पे, ए बी से। ओके, और उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमें क्या करना है, उसको ज्वाइन कर देना है। देखो वो भी कैसे निकालते हैं। चलो हमारा परपेंडिकुलर भी हो गया। तो फिर क्या करेंगे हम, जो बीच वाला पॉइंट है हमारा, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, वहाँ पर हमें नाम देना है ओ। ओके, और वहाँ से हमें क्या करना है, ओ से लेके जो डिस्टेंस है वो हमें लेना है, जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस लेके हमें क्या करना है, एक अंदर की साइड पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जो सभी साइड को टच करेगा। ओके, तो फिर बच्चों हो गया हमारा, फाइनल में क्या हो गया, हमारा इन सर्कल अभी हो गया।